हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 22 फरवरी। तो 22 फरवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 21 फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 22 फरवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो कल का आपका पहला टेस्ट था कि 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव है ना, ये हाल ही में जैसलमेर में ऑर्गेनाइज किया गया। जैसलमेर कहाँ पर है? तो जैसलमेर राजस्थान में है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका सी। और दूसरा टेस्ट था आपका कि किस भाषा को अबू धाबी के उच्च न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। वो भाषा है हिंदी। हाल ही में हिंदी लैंग्वेज को अबू धाबी के उच्च न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 फरवरी के करंट अफेयर्स। आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। तो जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज है इसे हाल ही में 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। अब क्योंकि ये दिन 21 फरवरी 2019 में सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए। तो 2019 का थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेज मैटर फॉर द डेवलपमेंट पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलेशन। ये 2019 का थीम है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसका थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेज मैटर फॉर डेवलपमेंट पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलेशन। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दिन मनाया गया ना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इस दिन को मनाए जाने की घोषणा किसने की थी और ये दिन पहली बार कब मनाया गया था। तो इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो यूनेस्को ने की थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी। कब ये घोषणा की गई थी? तो 1999 में ये घोषणा की गई थी। और ये दिन पहली बार फर्स्ट टाइम फरवरी 2000 में सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि 21 फरवरी 2000 में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। अब आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में मातृभाषा के महत्व को बढ़ाया जा सके, उसके सम्मान को बढ़ाया जा सके, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। देखिए, ये जो दिन है ना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इस दिन को हमारे भारत के अंदर वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है वहां पर इस दिन को भाषा दिवस और शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के बारे में याद रखनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आपके लिए। बट फरवरी के मंथ में और भी जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए हैं वो भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। और उसके बाद 4 फरवरी याद रखना है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। और उसके बाद लास्ट उसके बाद याद रखना 7 फरवरी, तो 7 फरवरी को उज्ज्वला उत्सव मनाया गया है। और उसके बाद 8 फरवरी याद रखना, तो 8 फरवरी को भारत के अंदर नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। और इसके बाद याद रखना आपको 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद 13 फरवरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। और इसके बाद लास्ट आपको याद रखना है 20 फरवरी, कल मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि डेट और डेज में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स में जरूर बनेगा। अब क्योंकि
इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो यूनेस्को ने की थी 1999 में। यूनेस्को के बारे में भी नोट कर लीजिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ना वो पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई यूनेस्को की थी, 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई है। और यूनेस्को के अंदर कितने मेंबर हैं, तो टोटल 195 देश इसके मेंबर हैं। और यूनेस्को के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो उनका नाम है ऑड्रे एजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का कि हाल ही में किसे बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है डी के जैन। ये जो आपको पिक्चर में दिखा रही है, ये है डी के जैन जी, जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। देखिए हाल ही में बीसीसीआई में लोकपाल की नियुक्ति शुरू हुई है, और जो पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम है डी के जैन। देखिए जो डी के जैन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको डी के जैन के बारे में नोट करनी थी। अब बीसीसीआई के बारे में नोट करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं डी के जैन। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1928 में। और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है ना उनका नाम है सी के खन्ना। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। और सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उनका नाम है राहुल जोहरी। सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई की, तो उनका नाम अमिताभ चौधरी। सबके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बीसीसीआई के अंदर जो मेन कोच है, मेन टीम के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रवि शास्त्री। और जो वुमेन टीम के कोच है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है WV रमन। तो इन सभी लोगों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आरंभ किया गया, तो जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसे हाल ही में काठमांडू में शुरू किया गया है। काठमांडू कहाँ पर है, तो काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आरंभ किया गया है। और देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये नेपाल के अंदर एक महीने तक चलता है। पूरे एक महीने तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेपाल की जो आने वाली जनरेशन है ना, उसे हमारे भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है उनके बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल का उद्घाटन किन्होंने किया है, तो नेपाल में जो हमारे भारत के राजदूत हैं जिनका नाम है मंजीव सिंह पुरी, मंजीव सिंह पुरी ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। मंजीव सिंह पुरी का नाम इम्पोर्टेंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये नेपाल में हमारे भारत के एम्बेसडर हैं। अब नेपाल के बारे में भी नोट करेंगे, यहाँ पर है नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है खड्गा प्रसाद ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चौथा भारत एशियन एक्सपो सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो जो चौथा भारत एशियन एक्सपो सम्मेलन है ना, ये हाल ही में न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। और इस एक्सपो सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया है, तो देखिए ये जो सम्मेलन है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी कि कमर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और एक फिक्की कंपनी है उसके द्वारा इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सम्मेलन है ये कमर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, तो हमारे कमर्स एवं इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम है सुरेश प्रभु, इनका नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आपको यहाँ पर फिक्की के बारे में भी नोट करना होगा और एशियन के बारे में भी। सबसे पहले ये फिक्की, फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। और फिक्की की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई है। और फिक्की का हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है संदीप सोमने। और फिक्की के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उनका नाम है दिलीप चेनोए। एशियन के बारे में भी जैसे मैंने आपको बताया कि पता होना चाहिए, तो एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में है।
और एशियन की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 में एशियन की स्थापना हुई है। कितने देश मेंबर हैं? तो 10 देश एशियन के मेंबर हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है इनके? तो उनका नाम है लिम जोक हुई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 देश एशियन के मेंबर हैं, तो ये 10 देश कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 10 देश हैं, पहला है म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है कंबोडिया, चौथा देश है सिंगापुर, पांचवा देश है इंडोनेशिया, उसके बाद छठा देश है लियोस, सातवा देश है वियतनाम, आठवा देश है मलेशिया और नौवां देश है फिलीपींस और दसवां देश है ब्रूनेई दारुसलाम। ये 10 देश एशियन के मेंबर हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपको नोट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कालिया छात्रवती योजना की शुरुआत की गई है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के अंदर कालिया छात्रवती योजना की शुरुआत की गई है। और ये जो योजना है ना, ये मेनली जो किसान के बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई है। जो किसान के बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत उन्हें क्या लाभ होगा? तो इस योजना के तहत उन सभी स्टूडेंट्स को जो किसान के बच्चे हैं और हाइएस्ट स्टडीज कर रहे हैं, उन सभी बच्चों की जो कोर्स फीस है, हॉस्टल फीस है, उसके बाद जो मेस फीस है, वो सब उड़ीसा सरकार पे करेगी। अब क्योंकि इस योजना को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है, तो उड़ीसा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपको कालिया की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो कालिया की फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इंपॉर्टेंट है कालिया की फुल फॉर्म आपके लिए। अब उड़ीसा के बारे में नोट करेंगे। यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। और उड़ीसा का जो फोक डांस है वह घूमरा, छऊ और उड़ीसी। और उड़ीसा का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वह भीतरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो जो अट्टुकल पोंगल उत्सव है, इसे हाल ही में त्रिवंतपुरम में शुरू किया गया। त्रिवंतपुरम कहाँ है? तो केरल के अंदर है त्रिवंतपुरम। केरल के अंदर त्रिवंतपुरम में इस उत्सव की शुरुआत की गई है। और देखिए, ये जो उत्सव है ये देश भर की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और ये महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। और क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, तो इसीलिए इस उत्सव को सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया गया था। और ये जो उत्सव है ये त्रिवंतपुरम के अंदर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो त्रिवंतपुरम के अंदर एक मंदिर है कट्टुकल मंदिर, इसीलिए इस उत्सव का नाम भी कट्टुकल पोंगल पड़ा है। कट्टुकल मंदिर में इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो उत्सव है ये 10 दिनों तक चलता है। पोंगल क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो पोंगल, ये कटुकम का मतलब आप लोगों को पता लगा कि एक मंदिर है त्रिवंतपुरम का। और पोंगल जो है ये मिट्टी के बर्तन में मीठे चावल बनाए जाते हैं, जिसमें गुड़ और नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे बोलते हैं पोंगल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको कट्टुकल पोंगल उत्सव के बारे में याद रखनी थी। इंपॉर्टेंट था आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये भी। अगला क्वेश्चन है, टैली लॉ मोबाइल ऐप न्याय बंधु किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो टैली लॉ मोबाइल ऐप न्याय बंधु, इसे हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, ये है रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी कौन है? तो ये हमारे कानून मंत्री हैं। ये हमारे कानून मंत्री हैं, इसलिए इन्होंने न्याय बंधु नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया, ये आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो देखिए, ये जो ऐप है, इस ऐप के थ्रू लोगों को ऑनलाइन और फ्री में कानूनी सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो ऐप है ये मेनली उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। और इस ऐप के थ्रू क्या होगा कि एक सेवा केंद्र भी बनाया जाएगा। और इस सेवा केंद्र में कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाया जाएगा जो कि ऑनलाइन लोगों को कानूनी सलाह प्रदान करेंगे। और ये जो केंद्र है इसे 11 राज्यों में बनाया जाएगा, जिसमें से आपके 8 तो हो गए पूर्वोत्तर राज्य, और बाकी जो 3 राज्य हैं वो हैं यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर। तो इन 11 राज्यों में इस सहायता को प्रोवाइड करवाया जाएगा, कानूनी सहायता को, इस ऐप के थ्रू। ऐप का क्या नाम है? न्याय बंधु ऐप।
क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये कौन है? तो आप लोग को पता ही होगा कि ये हमारे खेल मंत्री हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसी के साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं, जिन्होंने हाल ही में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। और ये जो पुरस्कार है, ये कहाँ पर दिए गए हैं? तो नई दिल्ली में इन पुरस्कारों को वितरित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, ये कुल 13 लोगों को दिए गए हैं, और 13 लोगों को दिए गए हैं, और दो कैटेगरीज में इस पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दो कैटेगरीज कौन है? तो ये पहली कैटेगरी है प्रोफेशनल्स की, और दूसरी कैटेगरी है अमेच्योर की। थीम भी पता होना चाहिए आपको। तो पहली जो प्रोफेशनल कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिए गए, उसका थीम है वुमेन लेड डेवलपमेंट। और दूसरी जो इमेच्योर कैटेगरी में इस थीम अवार्ड को दिए गए हैं, उसका थीम है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो ये दो थीम आपको इम्पोर्टेंट नोट करने होगा। और इस क्वेश्चन में आपको राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का नाम इम्पोर्टेंट नोट करना था, जो कि हमारे युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री भी हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। आज के आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 8वां विश्व CSR सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? CSR की फुल फॉर्म आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसकी फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो 8वां विश्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्मेलन है, ये 2019 में हाल ही में मुंबई में शुरू किया गया। अब क्योंकि ये 2019 में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो थीम भी आपको नोट करना होगा। तो इसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2019 का थीम है। और इस सम्मेलन को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? तो उद्यमिता सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस उत्सव में टोटल 33 देशों के जो पार्टिसिपेंट हैं, प्रतिनिधित्व हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी सम्मेलन के दौरान, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि इसी सम्मेलन के दौरान जो इनोवेटिव फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, उसके जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है सुमित्रो चक्रवर्ती, उन्हें CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। और मुंबई, आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व के पहले डीजल से बिजली में परिवर्तित रेल इंजन की शुरुआत किसने की है? तो विश्व के पहले डीजल से बिजली में परिवर्तित जो रेल इंजन बनाया गया, इसकी शुरुआत हमारे भारत के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इस रेल इंजन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो भारत के अंदर वाराणसी में इस रेल इंजन की शुरुआत की गई है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि डीजल से जो चलने वाले इंजन है, उसको बिजली से चलने वाले इंजन के रूप में बनाया गया है। यानी कि जो पहले डीजल से चलती थी, उन्हें अब बिजली से चलाया जाएगा। उन रेल इंजन की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में। और ये जो रेल इंजन है, ये दुनिया का पहला रेल इंजन है जिसे डीजल इंजन से इलेक्ट्रॉनिक इंजन में बदला गया है। और ये काम किसने किया है? तो बनारस के अंदर एक रेल इंजन कारखाना है, उसके द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर रेल की बात चल रही है, तो आपको हमारे रेल मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट में जो हमारे रेल मंत्री हैं, उनका नाम है पीयूष गोयल। बहुत बार इनका नाम मैंने आपको बताया। और अगर पीयूष गोयल प्रेजेंट में हमारे रेल मंत्री हैं, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस सरकारी अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड जैसे सरकारी अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान को क्यों शुरू किया गया? तो इस अभियान के जरिए क्या होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इस ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का यही काम होगा कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी जितने भी स्कूल हैं, उनमें जो कक्षा 9 से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं के जो बच्चे हैं, यानी कि जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, उन सभी को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जा सके। अब क्योंकि इस अभियान की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, तो हमारे मानव संसाधन
और विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए, तो उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर है हमारे ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 79th भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेजबानी करेगा, तो उस शहर का नाम है भोपाल। भोपाल कहाँ पर है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में 79th भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये जो उत्सव है ये पहली बार भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये उत्सव दूसरी बार भोपाल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे पहले भी 2011 में इस उत्सव को भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इस सम्मेलन की शुरुआत 1935 में की गई थी। और इस सम्मेलन में 1000 से अधिक जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमपी के बारे में भी पता चाहिए, मध्य प्रदेश यहाँ पर है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, बता चुकी हूँ मैं आपको पीछे। चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 230। जो फोक डांस है वो है गिरिधर डांस, और जो नेशनल पार्क है वो है माधव नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मध्य प्रदेश के बारे में नोट करनी थी और इस क्वेश्चन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी 22 फरवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा गया था कि लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 73वां सदस्य कौन सा देश बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, उस देश के बारे में भी बताना है आपको। और दूसरा टेस्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है, उनका नाम भी बताना है चार ऑप्शन में से। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।